अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूवर्स, आज हम आपके लिए आए हैं ई स्मार्ट का और इको प्लस का रिव्यू। बेसिकली ये जो रिव्यू है इको प्लस का है, कि मेरे पास ई स्मार्ट भी था तो मैं आपको दोनों में बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, आप कौन सा एसी ले सकते हैं और कौन सा लेना चाहिए इसके लिए। तो जो मुझे इको प्लस पड़ा है व्यूवर्स, वो पड़ा है मुझे 91,000 का, मेरी 1 लाख रेंज थी। और इससे पहले मैंने ई स्मार्ट प्लस लिया था, जो पिछले साल लिया था 93 का था, और जो कि अब हो चुका है 1,15,000 का। और जो मार्केट में लोग कह रहे हैं कि भाई, दुकानदार कह रहे हैं कि भाई मार्केट में हो जाएगा ये 1,25,000 तक अगले महीने तक। अच्छा, इको प्लस में जो मैंने लिया और सर्च किया, इको प्लस देखें, इसलिए मैंने इन्वर्टर लगवाना था तो मैंने बोला इन्वर्टर ले लेता हूँ। और मैं इसको हॉनेस्ट रिव्यू आपको करूँगा, जो यूट्यूब पर आपने वीडियोज़ देखी होंगी कि भाई आप लगाते हो और 1 घंटे में 2 एम्पियर पे आ जाता है, पॉसिबल ही नहीं है कोई भी इन्वर्टर 1 घंटे में 2 एम्पियर पे आ जाए, कोई भी इन्वर्टर नहीं आता। और ये भी 2.50 एम्पियर तक जाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाता। तो अच्छा, इसमें होता ये है कि जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये लेता है 10 एम्पियर। ठीक है, आप देखे होंगे मेरे पीछे ये रूम में लगा हुआ है, बिल्कुल मैंने अभी न्यू लिया है। और मैं इसका आपको वारंटी का भी बताऊँगा कि वारंटी क्या क्या है इसमें, क्या होता है कि 5 साल वारंटी कहते हैं, और जैसे डॉलेंस दे रहा है आपको 12 साल वारंटी, जो मैं मार्केट में गया हूँ। अच्छा, होता क्या है वारंटी में, पहले मैं आपको वारंटी का समझा देता हूँ। 5 साल वारंटी है, 5 साल में ख़राब होगा, 1 दफ़ा रिपेयर होगा, इसके बाद रिपेयर नहीं होगा। कार्ड ख़राब होगा, 2 साल वारंटी है, 1 दफ़ा रिपेयर होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसी तरह डॉलेंस है, हायर है, डॉलेंस की 12 साल वारंटी है। अब कस्टमर क्या होता है, जाता है बोलता है भाई 12 साल वारंटी है तो हम डॉलेंस ले लेते हैं, या हायर की है मिसाल के तौर पर 10 साल वारंटी। होता है क्या है, 2 साल में कंप्रेसर ख़राब हुआ, 1 दफ़ा रिपेयर हुआ, आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब एम्पेयर्स पे आते हैं। बेसिकली जब ये स्टार्ट होता है एसी, तो ये लेता है कम से कम 10 एम्पेयर पे आता है मेरे पास। अच्छा, 10 एम्पेयर पे आने के बाद भाई ये चल, आपने रूम टेम्परेचर कितने पे रखना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, 16 पे रख लेते हैं। अच्छा, 16 पे रखने के बाद होता क्या है कि आपने 16 उस पे तो रख लिया, अब वो रूम टेम्परेचर जब 16 पे आएगा तब जाके ये आपका 2.50 एम्पेयर तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और मैं इसको चलाता हूँ 27 पे, अब 27 पे चलाता हूँ, जब मैं रूम टेम्परेचर अपना काउंट करता हूँ तो वो होता है 33, क्योंकि मेरे 14x14 रूम है, इसके ऊपर कोई कमरा नहीं है तो रूम मेरा गर्म होता है। अब 33 से अगर ये 27 तक रूम टेम्परेचर भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो कि ये 28 तक लाता है। और पहले 1 घंटा चलता है 10 एम्पेयर लेगा, 1 घंटे में 6 एम्पेयर तक लाएगा, ठीक है। मेरे 1 घंटे में 3 यूनिट जले, 3 से 4 यूनिट जलाए इसने 1 घंटे के अंदर। उसके बाद दूसरा घंटा लेगा 3 एम्पेयर तक आने के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद एक घंटा और लेगा 2.50 एम्पेयर तक आने के लिए, यानी 3 घंटे में ये 2.50 एम्पेयर पर आता है इको स्मार्ट, इको प्लस। उसके बाद व्यूअर, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि भाई आपने 27 पे ही रखना है, मैं रूम टेम्परेचर पे 16 पे लेके जाता हूँ, ये वापसी उसी 6-7 एम्पेयर पे आ जाता है। तो आपने रूम टेम्परेचर रखना है 27 पे मैक्सिमम। अगर आपको रूम टेम्परेचर 27 पे भी आ गया ना, तो आपको कंबल लेना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि रूम आपका ठंडा हो जाता है। फिर आपने पंखा नहीं चलाना, अगर आप पंखा चलाएंगे आपके रूम की सारी जो कूलिंग होती है वो आउट हो जाएगी, क्योंकि पंखा गर्म हवा दे रहा होता है और आपने एसी ठंडा ठंडी हवा दे रहा होता है। और ये इन्वर्टर 2.50 एम्पेयर पे तभी आएगा जब आपका रूम बिल्कुल पैक हो, दरवाज़ा बार बार निकल रहा हो, पंखा नहीं चल रहा हो, लाइट बार बार जा रही ना आ रही हो, लाइट जाएगी फिर से वहीं से स्टार्ट लेगा जहाँ से ये स्टार्ट लेता है। तो ये मेरे पास अभी जो चला है, ये कम से कम इसने मेरे पास लिए हैं 10 एम्पेयर स्टार्टिंग में, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप अपना माइंड बना के रखें कि कम से कम ये आपका 3 घंटे लेगा 2.50 एम्पेयर पर आने के लिए। अच्छा, कंडीशन मेरे पास तो ये थी कि मेरे ऊपर कमरे के ऊपर घर नहीं बना हुआ। अगर आपका डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, तो अगर आपका रूम बहुत ठंडी जगह पे है, आपका रूम वैसे ही ठंडा रहता है, तो वहाँ तो ये 2 घंटे में भी आ जाएगा। लेकिन ये जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, आपको मीटर लगा के दिखा रहे होते हैं, वो वीडियो कट करके दिखाते हैं कि भाई आपको देखो 1 घंटे में 2 एम्पेयर पे आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एसी नहीं आता, मेरे पास ई स्मार्ट प्लस है वो भी नहीं आता। अच्छा, फीचर की बात करें इको प्लस की और ई स्मार्ट प्लस की, ई स्मार्ट प्लस में आपके पास वाईफाई टेक्नोलॉजी है, इको प्लस में वाईफाई नहीं है। ई स्मार्ट प्लस में ये है कि आप जैसे घर आ रहे हैं और आधे घंटे में आपने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आधे घंटे बाद एसी ऑन हो जाए मोबाइल ऐप से, इसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है। थ्रो की बात की जाए तो थ्रो की अगर हम बात करते हैं तो इको हमारे पास जो ये है इसका, इसकी फ़ैन थ्रो, इसकी फ़ैन थ्रो में ये है कि इसकी ई स्मार्ट से कम है,
क्योंकि रहायशी बात है, पैसे भी कम है, कंप्रेसर साइज़ इसका छोटा है, उसका कंप्रेसर साइज बड़ा है, और जो बात की जाए टर्बो स्ट्रॉन्ग यानी जिसको टर्बो कहते हैं उसकी भी, इसकी स्पीड स्लो है उसकी ज़्यादा है, तो ये 14x14 रूम के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको अब लॉन्ज है और बड़े उसमें आपको लगाना है तो फिर आपको ई स्मार्ट की तरफ जाना होगा। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स को मैं आपको बताऊँ, मेरे कैनवुड का ब्लोअर टूट गया, मैं जाली साफ कर रहा था, एसी चल रहा था तो मेरा हाथ लग गया, तो लोकल मार्केट में मुझे कहीं भी नहीं मिला। मिलेगा तो इसके पार्ट सिर्फ आपको फ्रेंचाइज से, अदरवाइज आप फ्रेंचाइज के अलावा और कहीं से आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो ये कैनवुड का एक एक्चुअली रिव्यू था, और अगर आप डॉलन साइड की तरफ जाते हैं तो उसके आप लोकली पार्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ये यूके ब्रांड है और हायर, और ये डॉलन पाकिस्तानी मेड यहीं पर बन रहे हैं। तो अगर आप 14x14 रूम है या आपका इतना बड़ा रूम नहीं है तो ईको प्लस आप लें बेस्ट है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अगर आप रोज़ 8 घंटे चलाएंगे रात में तो आपका 4 से 5 हज़ार बिल आएगा, और अगर आप दिन में भी चलाएंगे तो आपका बिल 9-10 हज़ार रुपये पर जाएगा कम से कम। तो ये है, और चले मैं आपको उसका